हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को कॉन्सेप्चुअलाइज किया था। हमने यह समझा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या चीज़ है, और हमने कंक्लूड किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। जिस तरह से मास एक प्रॉपर्टी है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक प्रॉपर्टी होती है। फिर हमने यह डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन या डेढ़ इलेक्ट्रॉन या 1.25 इलेक्ट्रॉन, हमेशा एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होगा या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, इन दिस बेसिस हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को क्वांटाइज कह दिया था। हमने कहा था कि जब भी एक बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं होता कि 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और एक अगला इलेक्ट्रॉन हाफ ट्रांसफर हुआ। ओके, हाफ ट्रांसफर, हाफ इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज नहीं होती, इट्स कंप्लीट। फिर हमने एक खास टर्म देखी थी कि एक कूलम चार्ज का क्या मतलब होता है। वी हैव सीन दैट वन कूलम इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने कहा था कि अगर मेरी मुट्ठी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैंने मेरे हाथ में इतने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, सो आई विल से कि मेरे हाथ में एक कूलम का चार्ज है। ओके, जिस तरह से 1 kg मास होता है, उसी तरह से 1 coulomb ऑफ चार्ज होता है। सो नाउ वी हैव डिफाइंड एग्जैक्टली व्हाट इज मेंट बाय चार्ज। फिर हमने ये कहा था कि हमें डिस्कशन किस पे करना है, हमें डिस्कशन करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, मतलब मूविंग चार्ज। तो आज हम डिस्कशन वहीं से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक करेंट। वी विल डिफाइन अ न्यू टर्म, इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है? नाउ व्हाट इज मीन बाय करेंट? सो आई विल से करेंट मीन्स एन ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। करंट का मतलब होता है ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि वाटर करंट होता है, जैसे कि विंड एयर करंट होता है। पानी का करंट मतलब पानी का फ्लो होना, एक डायरेक्शन में पानी के सारे पार्टिकल्स फ्लो होते हैं। दैट काइंड ऑफ फ्लो इज नोन एज ऑर्डर्ड फ्लो। जैसे कि अगर एक पॉन्ड में पानी भरा हुआ है, ओके, अब पॉन्ड में क्या रहता है? पानी स्टेबल रहता है, स्टेशनरी रहता है, वहां पे किसी प्रकार का कोई फ्लो नहीं होता। लेकिन फिर भी पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वह मूव करते रहते हैं, इधर से उधर मूव करते रहते हैं। बट वी विल नॉट से दैट दैट करेंट, दैट वाटर इनसाइड द पॉन्ड इज द वाटर करेंट। व्हाई? बिकॉज वो पार्टिकल्स एक रैंडम मोशन करते हैं। लेकिन हमने करंट की डेफिनेशन क्या लिखी? करंट का मतलब एन ऑर्डर्ड फ्लो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फ्लो होना जरूरी है। ओके, आप अगर एक ग्लास में पानी डालेंगे एंड यू विल सी कि उस पानी में आपको पार्टिकल्स इधर से उधर मोशन करते हुए दिखाई देंगे। अब यह जो मोशन है, दैट मोशन इज नॉट एन ऑर्डर्ड मोशन, दैट्स अ रैंडम मोशन। तो उस तरह के मोशन को हम करंट नहीं कहेंगे। सो वी नीड दैट करंट, टू डिफाइन द करंट वी नीड ऑर्डर्ड मोशन और ऑर्डर्ड फ्लो, वॉट एवर। ओके, सो करंट का डेफिनेशन हुआ। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब एन ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सो हमने इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से डिफाइन किया? हमने कहा एन ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज कैन बी एनीथिंग। हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो होते हैं। हमने देखा था NaCl को आपने पानी में डाला, नमक को, तो
तो Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव सेपरेट हो गए. सो Na पॉजिटिव इज ऑल्सो अ चार्ज, Cl नेगेटिव इज अ चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज. इन सभी का एक ऑर्डर्ड फ्लो विल बी नोन एज द इलेक्ट्रिक करेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंडक्टर को देखें, एक मेटल के कंडक्टर को देखें, तो वह कंडक्टर कुछ इस तरह का दिखाई देता है. कंडक्टर मतलब एक जस्ट मैंने वायर ले लिया, उस वायर को अगर देखेंगे तो उसका शेप बिल्कुल सिलेंड्रिकल होता है, कुछ इस तरह से होता है. अगर उस वायर को मैं इस तरह से हाथ में होल्ड कर लूं, ओके, और अगर किसी प्रोसेस से, किसी तरीके से अगर मैं उसे देख पाऊं, उसके अंदर देख पाऊं, सो आई विल फाइंड कि इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करते हुए दिखाई देंगे. ऐसा हमें दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स अलग डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस. तो क्या हो रहा है, इनका मोशन जरूर हो रहा है, लेकिन क्या यह मोशन ऑर्डर्ड है? हम कहेंगे नो, दिस मोशन इज अ रैंडम मोशन, इट्स अ रैंडम मोशन. सो अगर मैं एक वायर को इस तरह से हाथ में पकड़ लूं, इस तरह से, जस्ट इट्स एन आइसोलेटेड वायर, छोटा सा टुकड़ा है वायर का, सो इन दैट वायर यू विल फाइंड कि इस तरह का रैंडम मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा रैंडम मोशन हो रहा है. तो दिस रैंडम मोशन डू नॉट कंस्टिट्यूट द करेंट. सो व्हाट एग्जैक्टली इज करेंट? अगर एक वायर में इफ इन दिस वायर अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. सो यहां पे क्या हो रहा है, यह सभी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेट्स से इस डायरेक्शन में. सो दिस मोशन इज एन ऑर्डर्ड मोशन. सो दिस मोशन विल कंस्टिट्यूट करंट. हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जा रहे हैं, सो दिस इज करंट. यह जो होगा, यह जो फ्लो होगा, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझा था, सबसे पहले स्टडी किया था एंड्रे मैरी एम्पेयर ने. एंड्रे मैरी एम्पेयर इज अ फ्रेंच साइंटिस्ट, एक फ्रेंच फिजिशियन थे. उन्होंने इस चीज को स्टडी करा और ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि यह होता है इलेक्ट्रिक करंट. इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कैसे किया? ही सेड दैट इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ चार्जेस, और वी शुड राइट कंप्लीट डेफिनेशन. इलेक्ट्रिक करंट is defined as number of charges passing a cross section in 1 second is called 1 second is known as electric current. So what he said? He said electric current is defined as number of charges passing a cross section in 1 second. तो हम सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि what exactly is cross section, what exactly is meant by number of charges passing a cross section. इसको बिल्कुल simple example लेते हैं. For example, आपकी school bus. School bus में सभी students जब बैठे रहते हैं, जब bus school पहुंचती है, उस समय क्या होता है? आपके बस का एक गेट ओपन होता है और वहां से स्टूडेंट्स धीरे धीरे उतरना शुरू होते हैं. लेट्स से ये जो स्टूडेंट्स उतर रहे हैं,
अब इन्हें देख के हम ये कह सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही उतर रहे हैं। जब गेट से स्टूडेंट्स उतरेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही उतर रहे हैं। सो दिस मोशन, दिस फिनोमेना, दिस मोशन ऑफ स्टूडेंट्स इज एन ऑर्डर्ड मोशन, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रैंडमली इधर उधर भागने लगे, कोई बस की खिड़की से कूद रहा है, कोई दरवाजे से कूद रहा है, कोई ड्राइवर सीट के वहां से कूद रहा है, सो दिस इज अ रैंडम मोशन। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सभी स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर गेट से ही उतर रहे हैं, सो दिस इज एन ऑर्डर्ड मोशन। अब अगर ये जो गेट से स्टूडेंट्स उतर रहे हैं, लेट से मैं ऐसा कहता हूं कि जो स्टूडेंट्स उतर रहे हैं दे आर कंस्टिट्यूटिंग अ करेंट ऑफ स्टूडेंट्स। वह स्टूडेंट का एक फ्लो बना रहे हैं, क्योंकि लाइन से उतर रहे हैं, लाइन से पार्टिकल्स उतर रहे हैं। सो अगर हम देखते हैं उस चीज को कि बस में से स्टूडेंट्स उतरे, सो लेट से एक सेकेंड में दो स्टूडेंट्स उतरे, सो व्हाट डज दैट मीन। हम कहेंगे कि बस का जो गेट है इट इज अ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन कुछ नहीं होता, सिर्फ एक एरिया होता है, एक पर्टिकुलर एरिया, उसमें से कितने स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, उस गेट से कितने स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, दैट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ करंट, दैट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ करंट ऑफ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, उस बस में से एक सेकेंड में पांच बच्चे उतर रहे हैं, फाइव स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि स्टूडेंट्स का करेंट कितना है, फाइव। अगर मान लेते हैं कि उस बस में से एक सेकेंड में दस स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं, तो आप इमेजिन कीजिए जब एक सेकेंड में पांच स्टूडेंट आ रहे थे और एक सेकेंड में दस स्टूडेंट जब आ रहे हैं, तो करंट किस केस में ज्यादा होना चाहिए। सिंपली स्टेटेड, आप ये समझ सकते हैं कि जब एक सेकेंड में दस स्टूडेंट्स बाहर आएंगे तो मतलब स्टूडेंट्स का फ्लो ज्यादा है, जो बस में से बाहर निकलने का फ्लो है वो काफी ज्यादा है। बिल्कुल कुछ उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए या चार्जेस के लिए करंट को डिफाइन किया जाता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। अगर हम इस तरह का एक वायर माने, इस तरह का एक वायर है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वायर में हमने एक क्रॉस सेक्शन माना। क्रॉस सेक्शन मतलब इस वायर के अक्रॉस एक एरिया, जैसे कि दिस चौक, दिस चौक इज लाइक अ सिलेंडर, इट्स लाइक अ वायर। अगर मैं इसे बीच में से ऐसा काट दूं और साइड से देखूं, तो ये जो सामने एरिया दिखेगा, दिस विल बी नोन एज क्रॉस सेक्शन। तो इस वायर को अगर हम यहां से देखें, यहां से काट दें, सो ये जो सामने एरिया दिखेगा, दिस एरिया विल बी द क्रॉस सेक्शन। सो एम्पियर सेड दैट नंबर ऑफ चार्जेस या अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग दिस क्रॉस सेक्शन इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में कितने चार्जेस इस क्रॉस सेक्शन को पास कर सकते हैं, दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक करेंट। फॉर एग्जाम्पल, हम मानते हैं कि टू कूलम्स ऑफ चार्ज, दो कूलम चार्ज एक सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन को पास कर देता है। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर, एम्पियर डिफाइंड दैट इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड डिवाइडेड बाय टाइम। हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, आई से हमने इसे डिनोट किया, एंड दिस इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड डिवाइडेड बाय टाइम। कितने समय में कितना चार्ज यहां से पास हुआ, उन दोनों का रेशियो विल गिव यू द इलेक्ट्रिक करंट। सो इसको हम रिप्रेजेंट करें सिंबॉलिकली, सो आई विल से आई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय टी, वेयर आई इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट, क्यू इज डिफाइंड एज चार्ज एंड टी इज डिफाइंड एज टाइम। क्यू की यूनिट होती है कूलम्स और टी की यूनिट हम लेंगे सेकेंड्स। हमेशा हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, तो करंट के केस में आपको टाइम हमेशा सेकेंड्स में ही लेना है, दैट यू विल गेट व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सो इसकी यूनिट हो गई कूलम्स, इसकी यूनिट हो गई सेकेंड्स। सो इलेक्ट्रिक करंट आई, आई की यूनिट क्या हो जाएगी, आई की यूनिट हो जाएगी कूलम्स पर सेकेंड्स।
यूनिट ऑफ आई इज कूलम्स पर सेकेंड्स। सो यहां पे हमने जो एग्जाम्पल लिया कि 2 कूलम्स ऑफ चार्ज इज पासिंग दिस क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, सो आई विल से द इलेक्ट्रिक करेंट आई विल बी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज 2 कूलम्स डिवाइडेड बाय टाइम इज 1 सेकेंड। सो द करेंट विल बी 2 कूलम्स पर सेकेंड, और वी विल से करेंट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर्स। दिस ए इज नोन एज एम्पियर। अब क्योंकि इसको एम्पियर ने डिफाइन किया था, इन पर्सन ने डिफाइन किया था, इन साइंटिस्ट ने खुद ने सोचा था, तो ऑब्वियसली बात है ये अपना क्रेडिट तो लेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट ही अपने नाम पे बना दिया, दैट इज एम्पियर। इन्होंने कहा कि क्योंकि ये मैंने डिफाइन किया है इसीलिए मैं इसको एम्पियर नाम से जानूंगा, तो मेरे नाम पे है। ओके, सो ही सेड क्योंकि 1 सेकंड में 2 कूलम चार्ज पास हो रहा है, सो करंट फ्लोइंग विल बी डिफाइंड एज 2 एम्पियर और 2 कूलम्स पर सेकेंड। सो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम्स पर सेकेंड। इस तरह से इन्होंने करंट को डिफाइन किया कि करंट का मतलब ये होता है, करंट का मतलब कुछ नहीं सिर्फ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस जब एक डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो उसे हम करंट कह देते हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए 3 कूलम्स ऑफ चार्ज, या लेट से और सिंपल इसको 10 कूलम्स ऑफ चार्ज पास होता है इन 10 सेकेंड्स। हम मान लेते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से 10 कूलम चार्ज 10 सेकेंड में इधर से इधर पास हो जाता है, ठीक है। मतलब ये सभी इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हैं, आपने 10 सेकेंड बाद देखा तो ये सभी यहां पहुंच गए, ये कितना कंस्टिट्यूट कर रहे थे, लेट से 10 कूलम। जब ये सभी यहां पहुंच गए तो 10 सेकेंड इनको लगे यहां से यहां पहुंचने में, तो हम कहेंगे कि 10 कूलम चार्ज 10 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन को पार करके उधर चला गया। सो हाउ द एम्पियर विल कैलकुलेट द करंट, एम्पियर ने कहा कि आई विल बी इक्वल्स टू चार्ज दैट इज 10 डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज अगेन 10 सेकेंड्स, और दिस इज 10 कूलम्स, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 एम्पियर। इस तरह से एम्पियर ने करंट को कैलकुलेट किया, इस तरह से उसकी डेफिनेशन दी। ओके, सो इस डेफिनेशन में 1 एम्पियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई यूनिट डिफाइन करता है, जैसे एम्पियर ने अपनी ये खुद की यूनिट दी कि इसे हम एम्पियर के नाम से जानेंगे, तो इन्होंने उस यूनिट को डिफाइन भी किया। उनसे पूछा गया कि बताइए 1 एम्पियर का मतलब क्या, तो उन्होंने कहा कि 1 एम्पियर मीन्स दैट 1 कूलम ऑफ चार्ज विल पास अक्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। सो एम्पियर ने क्या कहा, एम्पियर ने 1 एम्पियर को डिफाइन कैसा किया, एम्पियर ने कहा कि अगर एक क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास हो जाएगा तो हम कहेंगे कि जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है दैट करंट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। इस तरह से उन्होंने एक एम्पियर को डिफाइन किया। जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स के करंट को डिफाइन करना चाहूं, जो बस में से बच्चे उतर रहे हैं, अगर 1 सेकेंड में 1 स्टूडेंट उतर के जा रहा है, दूसरे सेकेंड में दूसरा जा रहा है, तो हर 1 सेकेंड में कितने स्टूडेंट्स उतर रहे हैं, एक एक स्टूडेंट। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स के करंट को, हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट करंट इज 1। तो स्टूडेंट का करंट कैसा हुआ, 1। अगर 1 सेकेंड में 2 स्टूडेंट्स उतर रहे हैं तो हम कहेंगे स्टूडेंट करंट इज 2। अगर 1 सेकेंड में 10 स्टूडेंट्स उतर रहे हैं तो हम कहेंगे स्टूडेंट करंट इज 10। इस तरह से एम्पियर ने करंट की डेफिनेशन दे दी। उन्होंने ऐसा कहा कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप सिर्फ ऐसा मान लो, क्योंकि मैंने डिस्कवर किया है इसीलिए आप मान लो, अगर आप डिस्कवर करते तो मैं मान लेता। ओके, सो इसी तरह से हमने एम्पियर को डिफाइन कर दिया, एम्पियर ने डेफिनेशन दे दी कि 1 एम्पियर करंट क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर करंट मतलब 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन को पास कर जाता है तो हम कहेंगे करंट कितना है, 1 एम्पियर। अगर 2 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन को पास करता है तो हम कहेंगे करंट इज
2 एम्पियर एंड सो ऑन, इस तरह से हम डिफाइन करते जाएंगे। सो दिस इज व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट, जो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। नाउ वी विल लर्न द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड फर्दर एस्पेक्ट्स एंड फीचर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट। पहले आप इसे नोट कर लें। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट बिफोर डिस्कसिंग द डायरेक्शन, लेट अस डिस्कस वन स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑल्सो। हम एम्पियर के ही इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा एक्सटेंड करके समझ लेते हैं। जैसे कि एम्पियर ने कहा कि 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि करंट जो फ्लो हो रहा है, दैट करंट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। नाउ अगर 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है, सो व्हाट इज मेंट बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमने यहां देखा था कि 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। सो अकॉर्डिंग टू 1 एम्पियर, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास होना चाहिए। 1 कूलम चार्ज पास होना मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाने चाहिए। सो इट मींस अगर मैं इस तरह से एक कंडक्टर को ड्रॉ करता हूं, समथिंग लाइक दिस, ऐसा अगर मैं एक कंडक्टर को ड्रॉ करता हूं, सो एक कोई भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ले लें, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया ले लें, तो इस एरिया को 1 सेकेंड में 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करना चाहिए। मतलब अगर किसी वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे इतने इलेक्ट्रॉन्स हर सेकेंड में पास हो रहे हैं। जैसे कि ये वाला, तो इसमें से इतने इलेक्ट्रॉन्स हर एक सेकेंड में पास हो रहे हैं। जस्ट इमेजिन दिस नंबर 6.25, उसके आगे 18 जीरो, इतना बड़ा नंबर और इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ 1 सेकेंड में इसको क्रॉस कर जाते हैं। सो दिस इज अ मिरेकल। ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, जिसने भी इन्वेंट करी, जैसे एम्पियर ने इस चीज को इन्वेंट किया, या इलेक्ट्रिसिटी जहां से इन्वेंट हुई, तो उन्होंने कितना ज्यादा सोचा होगा इस चीज को इमेजिन करने के लिए। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो दिखते भी नहीं, 1 सेकेंड में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आराम से इसको पास कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमारे घर में हर एक डिवाइस में, हर एक अप्लायंस में करंट फ्लो हो रहा है, और वो करंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्लो हो रहा है। मतलब इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स 1-1 सेकेंड में वायर को क्रॉस कर रहे हैं, वायर में हर एक पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। हेंस इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ मिरेकल, कि इतना ज्यादा, इतनी बड़ी क्वांटिटी फ्लो हो रही है। एंड वी आर नॉट एबल टू जज दिस। इतने सालों से यह चीज हो रही है, बट हम इसे जज नहीं कर पाए। ओके, सो 1 एम्पियर को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इफ 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स पास अक्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड, then we will say the current in wire is 1 ampere। हम कहेंगे उस वायर में करंट कितना है, 1 ampere। Now similarly, जैसे 1 एम्पियर डिफाइन किया गया कि 1 कूलम पर सेकेंड, इसी तरह से एम्पियर ने एक यूनिट और दे दी, 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर। एम्पियर ने कहा कि 1 एम्पियर करंट अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर में देखें, तो क्या आप जानते हैं आपके घर में कितना करंट फ्लो होता है? आई विल टेल यू, आपके घर में मैक्स टू मैक्स 2 एम्पियर्स का करंट फ्लो होता है, चाहे आप उसमें एयर कंडीशनर चलाएं, चाहे आप उसमें गीजर चलाएं, चाहे आप उसमें कंप्यूटर चलाएं और कोई अप्लायंस चलाएं। हार्डली 2 और 2.5 एम्पियर से ज्यादा करंट एक बार में फ्लो नहीं होता। ठीक है,
क्योंकि करंट 2 एम्पियर इज अ बिग क्वांटिटी, इज अ ह्यूज क्वांटिटी. ओके, देखने में नहीं, सुनने में ऐसा लग रहा है कि नहीं 2 एम्पियर तो बहुत छोटी चीज है, 2 रुपए जैसा 2 एम्पियर, ऐसा नहीं है. ओके, 2 एम्पियर इज अ ह्यूज क्वांटिटी. तो एम्पियर ने कहा कि जरूरी नहीं कि हर डिवाइस में करंट एम्पियर में नापा जाए, क्योंकि एम्पियर एक बड़ी यूनिट है, तो अब वो किसी और के नाम पे तो छोटी यूनिट नहीं दे सकते. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कह दिया कि ठीक है एम्पियर बड़ी है तो मिली एम्पियर यूज कर लो. तो उन्होंने यहाँ पे दिमाग लगाया और कह दिया कि आप मिली एम्पियर यूज कर लो. सो 1 मिली एम्पियर को उन्होंने कहा इट इज 10^-3 एम्पियर्स, बिकॉज मिली मतलब 10^-3. नाउ अगर मैं 1 मिली एम्पियर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलूं तो कितने होने चाहिए, हम देख सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रॉन्स इन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो 1 मिली एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे. सो 1 मिली एम्पियर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग विल बी 6.25 × 10^50 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, उसे हम कहेंगे 1 मिली एम्पियर. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट अ मोर स्मॉल यूनिट, अ स्मॉलर यूनिट, दैट स्मॉलर यूनिट इज 1 माइक्रो एम्पियर, बिकॉज और छोटे डिवाइसेस बने और छोटे डिवाइसेस में करंट और कम हो गया, तो इसलिए एम्पियर के लिए एक नई यूनिट और आ गई 1 माइक्रो एम्पियर, विच इज इक्वल टू 10^-6 एम्पियर्स. और 1 माइक्रो एम्पियर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 6.25 × 10^ दिस 6, दिस इज 18, सो 18 एंड 6 दिस इज 12 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड, दिस इज हाउ द एम्पियर यूनिट इज डिफाइंड. नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब why we are emphasizing on the term direction of electric current, it is because हमारे पास दो तरह के charges हैं. हमने कहा कि positive charges होते हैं और हमने कहा कि negative charges होते हैं. But फिर एक मन में सवाल उठा कि अगर मैं एक वायर की बात करूं, इस तरह के वायर की बात करूं, तो उसमें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होते हैं, तो why not define the direction of electric current in terms of electron, हम इलेक्ट्रॉन के terms में ही क्यों नहीं define कर देते. लेकिन फिर एक और मन में सवाल आया, वह सवाल यह था कि अगर मैं इस तरह के एक बीकर में पानी ले लूं, इस तरह से वाटर भर दूं इसमें, और वाटर भरने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूं, नमक कौन सा, NaCl, दैट इज कॉमन सॉल्ट, सो यहां पे Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव के आयंस या कहीं चार्जेस भी एग्जिस्ट करने लगेंगे. तो इस केस में फिर कैसे बताएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपोजिट होते हैं. तो अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, सो एम्पियर ने नोट किया कि अगर एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होगा, सो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी. अपोजिट क्यों होगी, बिकॉज दोनों का नेचर ही अलग है, नेचर अलग है, इसीलिए ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन अपोजिट ही होगी. सो अगर इस पानी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, सो फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, सो नेगेटिव चार्जेस विल डेफिनेटली मूव इन दिस डायरेक्शन. अगर पॉजिटिव चार्जेस ऐसे जाते हैं तो नेगेटिव चार्जेस ऐसे जाएंगे, अगर नेगेटिव चार्जेस ऐसे जाते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस ऐसे जाएंगे, मतलब हर बार डायरेक्शन तो अलग ही होगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक ही तरफ मूव करने लगे. सो हमने कहा था इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस, हमने ऐसा नहीं कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. हर बार इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते, इलेक्ट्रॉन के अलावा पॉजिटिव चार्जेस भी फ्लो होते हैं. सो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को देख के, इस चीज को समझ के कि यहां तो दो डायरेक्शंस बन सकती हैं, अगर डायरेक्शंस की बात करें, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, दिस डायरेक्शन इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो फिर डिफाइन कैसे करें कि करंट कहां जा रहा है, हम करंट की डायरेक्शन कैसे बताएं, हम कैसे बताएं कि करंट फ्लो किधर हो रहा है. सो कन्वेंशनली एक चीज एक्सेप्ट कर ली गई और वह ये कि
कन्वेंशनल कंडीशन, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. वी विल से दिस डायरेक्शन विल बी नोन एज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हमने कहा कि यह डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन. सो व्हाट वी हैव डिफाइंड, वी हैव सेड दैट कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी टूवर्ड्स द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. किस तरह से हमने डिफाइन किया कि डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी द टूवर्ड्स द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे वही हमारी डायरेक्शन मानी जाएगी. हम ऐसा नहीं मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट हमारी करंट की डायरेक्शन है. अब देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में, पॉजिटिव चार्ज फॉर एग्जाम्पल इधर मूव कर रहा है, निगेटिव चार्ज फॉर एग्जाम्पल इधर मूव कर रहा है, सो हमारी करंट की डायरेक्शन किधर होगी? हम कहेंगे टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस तरफ. सो हमने कहा डायरेक्शन, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द निगेटिव चार्ज, एंड अपोजिट टू द निगेटिव चार्ज. जहां निगेटिव चार्ज जाएगा उसके अपोजिट ही हमारी करंट की डायरेक्शन मानी जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर इस सब्सटेंस में, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो हम कहेंगे कि इसमें करंट की डायरेक्शन विल बी दिस वन, दिस डायरेक्शन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो इसको डायग्राम से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पॉजिटिव चार्जेस मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड इफ निगेटिव चार्जेस आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन देन वी विल से द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी दिस. This will give you the direction of electric current. तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को. अगर हम एक मेटल शीट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक आयरन की ऐसी शीट है, इस शीट में इस तरह से एटम्स हैं, यह छोटे न्यूक्लियस एंड उसके ऊपर एटम. सो इन दिस एटम, फॉर एग्जांपल दिस इज एन आयरन शीट, यह अगर एक आयरन की शीट है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेट्स से यहां पे, यहां पे, हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्जेस कैसा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, समथिंग लाइक दिस, दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज. सो अगर इलेक्ट्रॉन्स लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव करने लगे, so we will say the direction of current is what, the direction of current will be this one.
कुछ इस तरह से हम करंट की डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन यह वाली होगी, इज द डायरेक्शन। अब हमने इसको अलग से क्यों बनाया, इट इज बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें, सो दिस इज एन आयरन, आयरन हुआ या कोई भी मेटल हुआ, ओके या फिर कोई नॉन मेटल हुआ विच इज अ कंडक्टर। देखिए जो भी कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में भी दो तरह के होते हैं। पहले वह कंडक्टर होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो, जैसे कि कॉपर, जैसे कि आयरन, जैसे कि एल्यूमिनियम, ओके यह सभी क्या है, यह सभी मेटल्स हैं, यह सभी कंडक्टर हैं। इन सभी मेटल्स में जो करंट फ्लो होता है दैट इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं इस तरह के सॉल्यूशन की बात करूं, दिस सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना कैसे, आपने पानी में नमक डाल दिया, नमक मतलब कोई सा भी नमक। देखिए सॉल्ट्स बहुत सारे तरह के होते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स टॉपिक में आप इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे जो तरह के सॉल्ट होते हैं, किसी भी सॉल्ट को पानी में डाल दीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन जाएगा। सो अगर घर पे आप एक ग्लास पानी में नमक डालते हैं तो जो नमक का पानी बना है दैट वाटर इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सो उस तरह के सॉल्यूशन में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के चार्जेस अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस तो एटम के अंदर बाउंड है, तो फ्री क्या है, फ्री सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। ओके सो यहाँ पे जो भी कंडक्शन होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी होगी या जो करंट फ्लो होगा दैट इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस तरह के सॉल्यूशन में दोनों टाइप के होंगे, पॉजिटिव चार्जेस एंड निगेटिव चार्जेस। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। ओके सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, पहले वह जिसमें ओनली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, और दूसरे टाइप के बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज फ्लो, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के चार्जेस फ्लो होते हैं, उसे हम इस तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में देख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज इसमें जब क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, भले ही वो आपका स्कूल एग्जाम का हो और मे बी पॉसिबल ऑफ एनटीएससी का हो, तो उस केस में इस डायरेक्शन पे कभी कभी घुमा के क्वेश्चन दिया जाता है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर कि पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन ही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है। तो अगर आप अपने घर में देखेंगे कि किसी वायर में करंट जा रहा है, सो वी विल से कि करंट जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं तब करंट इधर जा रहा है। ओके सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो फर्स्ट इसे नोट कर लीजिए, वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक।